योगी आदित्यनाथ एकदम फायर हैं। योगी एकदम सटीक निशाना लगा रहे हैं। योगी की एक एक रैली को, उनके एक एक शब्द को गौर से सुनिए। योगी को अपने वोटर के बारे में बखूबी पता है, बखूबी जानते हैं। योगी ये भी समझते हैं कि उनके वोटर्स क्या सुनना चाह रहे हैं। जो कहते हैं कि यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतना नामुमकिन है, वो योगी को शायद ठीक से सुनते ही नहीं। जिनको योगी के दावे पर भरोसा नहीं है, उनको इस रिपोर्ट के जरिए योगी के भाषणों को डिकोड करना चाहिए। गौकसी विषधर, बांके बिहारी, मुस्लिम आरक्षण, तीसरे फेज से पहले इन कीवर्ड से योगी का क्या संदेश है? क्या योगी का ओपन चैलेंज 100% स्ट्राइक रेट देने वाला है? अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौकसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे। गौ हत्या बाद में करेगा। अवध में राम और ब्रज में श्याम, योगी यूपी की एक एक सीटों का अंक गणित जानते हैं। पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था से शुरू हुआ योगी का प्रचार यादवलैंड में कृष्ण और गाय पर आ गया है। अखिलेश यादव अपनी फैमिली में फंसे हुए हैं तो योगी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को जहन्नुम तक पहुंचाने का ओपन चैलेंज दे रहे हैं। अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार हैं। योगी टीम मोदी के वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो हर नंबर पर, हर परिस्थिति में जाकर रिजल्ट बदल सकते हैं। ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और आज ये कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौकसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे। गौ हत्या बाद में करेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जुटी है। सोशल मीडिया पर योगी के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, लेकिन राम मंदिर और विरासत टैक्स पर कांग्रेस ऐसी फंसी है कि उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। एमपी के अशोकनगर में योगी ने मोदी और राहुल के बीच का अंतर समझाया। कहा मोदी जी के नेतृत्व में 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, लेकिन कांग्रेस औरंगजेब की तरह जजिया कर लगाने की तैयारी में है। मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए, वरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ, यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में, कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कोई भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ के ऊपर सिर्फ यूपी की ही 80 सीटें जिताने की जिम्मेदारी नहीं है, योगी की डिमांड पैन इंडिया है। वो राजस्थान भी जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी जाते हैं। लगभग हर स्टेट में प्रत्याशी चाहते हैं कि योगी उनका प्रचार करें, क्योंकि योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जो प्रदेश कभी अपराधियों से थर्राता था, वहां योगी आदित्यनाथ ने नया मॉडल खड़ा किया है, जिसमें अपराधी खुद जाकर सरेंडर करते हैं। योगी 26 दिनों में 8 राज्यों में 26 रैलियां और 2 रोड शो कर चुके हैं। योगी की डिमांड उन सीटों पर ज्यादा है जहां ध्रुवीकरण की संभावना है, जहां राजपूत निर्णायक है। योगी ने जो 26 रैलियां की हैं, उनमें 3 सीट हिंसा प्रभावित हैं, 5 सीटें ऐसी हैं जहां ध्रुवीकरण की संभावना काफी अधिक है, वहीं राजपूत बहुल 8 सीटें हैं। योगी के प्रचार वाली 8 सीटों पर विपक्ष मजबूत है तो 6 सीट पर बीजेपी के सांसद चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले 30 दिनों के भीतर योगी उत्तर प्रदेश में 90 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। अगले कुछ दिनों में योगी 10 राज्यों में रैलियों और रोड शो में शामिल होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। योगी हर तरह की सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग करते हैं, विपक्ष की गलतियों को ऐसे भुनाते हैं जिससे पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने वोट जिहाद वाला पैंतरा चला, लेकिन ये दांव समाजवादी पार्टी पर ही भारी पड़ने लगा है। दरअसल कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की अपील की थी और कहा था कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, सरकार को हटाने के लिए केवल वोट जिहाद ही कर सकते हैं, इसलिए एक साथ वोट जिहाद करें। मारिया ने यह भी कहा था कि बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए। अब योगी ने फर्रुखाबाद से ही जिहाद की वकालत करने वालों को जवाब दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। यूपी में तीसरे फेज के चुनाव में 10 सीटें दांव पर लगी हैं। यादव लैंड का यह इलाका अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है।